अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे माश की दाल और मेथी। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। माश की दाल लेंगे हम छिलके वाली 1 कप, आलू लेंगे हम दो छोटे साइज़ के, मेथी लेंगे हम 1/2 कप। इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें है सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये जो है प्याज मैंने लिया है दरमियाने साइज़ का, 1 स्लाइस में काट लिया। ये हम बघार में यूज़ करेंगे, तड़के में यूज़ करेंगे। और साबुत लाल मिर्च 6 ले लिए हैं, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून ले लिया और पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून। ये जो चीज़ें हैं ये मैं तड़के में यूज़ करूँगी। और ये दाल, आलू, मेथी, नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारा मैं दाल के अंदर डालूँगी। बघार लगाने के लिए हमें ऑयल चाहिए 1/2 कप। फ्लेम ऑन कर लिया पैन में, मैंने दाल मैंने अच्छे से धो लिया। इसको मैंने फ़ौरन धो के रखी है, भिगोई नहीं है। इसको पहले से भिगो के नहीं रखना दाल को, क्योंकि फिर अगर आप पहले से भिगो देंगे तो इसका जो छिलका है वो उतर जाएगा। हमने खड़ी खड़ी दाल रखनी है। जिन इलाकों में दाल नहीं गलती, मतलब पानी का ही इशू होता है, अब वो अपने हिसाब से देख लें। ये मैंने दाल डाली, अब इसमें मैंने डाला ये लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी ये डाल दी और ये जो मेथी है, मेथी मैं यहाँ पे फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे फ्रोज़न मेथी मिल जाती है, वॉश हुई भी होती है और उसके ये इसी तरह क्यूब से बने हुए होते हैं, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर 1 कप पानी बस। इस पे मैं अभी हाई फ्लेम पे इसको मैं रख दूंगी ढक के, और जब ये थोड़ा सा उबाल आ जाएगा फिर इसको मैं मीडियम और लो के दरमियान ले जाऊंगी। दाल को मैंने खड़ा खड़ा रखना है, इसमें वो नहीं करना बहुत ज़्यादा, इसको नरम नहीं करना। मैं जो हूँ ये फ्रोज़न वाली यूज़ कर रही हूँ मेथी, इसके अंदर क्यूब्स बने हुए होते हैं इस पैकेट के अंदर ना, तो मैं इसमें से 1 क्यूब यूज़ कर रही हूँ। आप जो है अपने इलाके में जो बंच मिलते हैं मेथी की, जो गट्ठी मिलती है उसका आप 1/2 यूज़ करें, फुल गट्ठी नहीं डालनी, 1/2 डालनी। फ्रेश मेथी जो है वो सही रहेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें सूखी मेथी यूज़ कर सकते हैं, तो वो नहीं, वो उसके साथ इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। आप फ्रेश यूज़ करें, उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है। बॉयल आ गया इसके अंदर, मैं इसको चेक करती हूँ, हाई फ्लेम है, ये देखें बॉयल आ गया। अब मैंने इसका लो फ्लेम कर देना है। अभी मैंने इसमें आलू शामिल नहीं किए, आलू जल्दी से गल जाते हैं, तो इस वजह से मैंने अभी शामिल नहीं किए। जब मैं डालूंगी तो मैं आपको बताऊंगी किस पॉइंट पे डालूंगी। अब मैं लो कर रही हूँ इसकी फ्लेम, ढक दूंगी और फ्लेम लो कर। 2-3 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ और अब आलू डाल के मैं इसको दम लगा दूंगी, जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं ना। थोड़ा इसमें पानी है अभी, इसी में ये आलू गल जाएंगे। अभी मेरी फ्लेम जो है लो है, 5-10 मिनट हो गए लो फ्लेम पे। मैं अब इसको खोल के देखती हूँ। देखें दाल भी हमारी हो गई है, हमें इसी तरह की चाहिए, आलू भी गल गए। अब इसका मैं भगार बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालेंगे, 1/2 कप ऑयल लेना है। तड़का बना रही हूँ इसका, भगार बना रही हूँ। ऑयल गरम हो गया है, इसके अंदर मैं ये प्याज डाल रही हूँ स्लाइस किया हुआ, छोटा सा प्याज है ये, मीडियम साइज़ का। ये थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर चेंज होता है, फिर आगे का मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज लाइट सा ब्राउन हो गया, इसमें मैं साबुत मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा ये डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन होता है। उसके बाद फिर मैं आपको खाँसियों के पिसा धनिया ना का ऐड करूँगी, ये थोड़ा और ब्राउन हो गया हल्का सा। अब मैंने इसमें ये पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया, ये देखें ये ऐड हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा अब दाल के ऊपर मैं थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ, और इसके ऊपर मुझे मक्खन याद आ गया था, मेरे पास मक्खन भी पड़ा हुआ है। ये आपके पास थोड़ा मैंने मक्खन डाल के
इसमें ये ऊपर से भगाड़ लगा दिया और अब आप इसको थोड़ा सा दम लगा दें 5 मिनट के लिए ना, ताकि जो मक्खन है वो मेल्ट हो जाए। मक्खन डालना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो आप ना यूज़ करें। मेथी दाल को मैंने गार्निश किया अदरक के साथ। इसमें जो मैंने मक्खन यूज़ किया वो अनसॉल्टेड था, अगर आपके पास मक्खन है तो डालें, नहीं है तो ना डालें, इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। मज़ेदार सी मेथी आलू रेडी है, इसको आप रोटी के साथ इंजॉय करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।